ओम शांति। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म की परिभाषा। अव्यक्त बाप दादा ने ये तीन शब्द कहे हैं, उन तीनों का अलग अलग क्या अर्थ है, उनकी क्या स्थिति है, यह जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इस विश्व नाटक में इस पुरुषोत्तम संगम समय पर विशेष महत्व है। और जब बाबा ने कहा है तो उनसे हमारा कोई ना कोई संबंध भी अवश्य है। उसके लिए हमको कोई विशेष पुरुषार्थ भी अवश्य करना है। एडवांस पार्टी अर्थात जो आत्माएं इस ब्राह्मण जीवन के कर्तव्यों और पुरुषार्थ को पूर्ण करके उसे कर्मातीत होकर गई हैं और उनको एडवांस पार्टी में जाकर नए विश्व के नव निर्माण के लिए आगे का कर्तव्य करना है, उसके लिए विधियां रचनी हैं, विधि विधान बनाने हैं। उसमें मुख्य कर्तव्य है सतयुग में योग बल से जन्म देने का आविष्कार करना, क्योंकि स्वर्ग और नर्क को विभाजित करने वाली यही मुख्य सीमा रेखा है। योग बल और भोग बल से संतानों उत्पत्ति ही स्वर्ग और नर्क की स्थिति को स्पष्ट करती है, अर्थात जिसके आधार पर स्वर्ग और नर्क का नाम पड़ता है, अर्थात यह सृष्टि चक्र अमर लोक और मृत्यु लोक के रूप में विभाजित होता है। एडवांस स्टेज वाली वे आत्माएं हैं जो वर्तमान ब्राह्मण जीवन में कर्मातीत स्थिति के निकट पहुंची हुई हैं या पहुंचने का पुरुषार्थ कर रही हैं, अर्थात जो आत्माएं वर्तमान ब्राह्मण जीवन में ज्ञान योग से संपन्न होकर एडवांस पार्टी या एडवांस जन्म में जाने की तैयारी कर रही हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति स्थिति मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा का संदेश अन्य आत्माओं को देने में तत्पर हैं। परमात्मा द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान एडवांस स्टेज वाली आत्माओं की ही बुद्धि में होता है। एडवांस जन्म अर्थात सतयुग के आदि का जन्म। एडवांस जन्म में आने वाली आत्माएं एडवांस पार्टी से भी हो सकती हैं और एडवांस स्टेज वाली भी हो सकती हैं। एडवांस जन्म वाली आत्माएं पहले परमात्मा पिता के साथ परम धाम जाएंगी और फिर आकर सतयुग के आदि में योग बल से जन्म लेंगी, जहां से नए कल्प अर्थात स्वर्ग का आरंभ होगा। अगले वीडियो में हम सुनेंगे एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म वालों के गुण, कर्तव्य और विशेषताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।